एस राजू मिट्टा जी। धन्यवाद सर। इस बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा अधिक समय दिया जाए। सबसे पहले तो ये देश हित राष्ट्र हित बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी का मैं आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ। ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विजन 2047 का रास्ता साफ साफ दिखाता है, और विशेष करके युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को ये सशक्त करता है। सर, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला, तब देश फ्रेजाइल 5 के नाम से देश के ऊपर एक कलंक था, एक टैग था। पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर के हाई एनपीए से लेकर के हाई इन्फ्लेशन से लेकर के घोटाला, करप्शन और चरमराती अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन मोदी जी के विजन, नीति और नियत के कारण हम आज गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत बना है। और फ्रेजाइल 5 के बदले आज जो है ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत जाना जाता है, जबकि इसी दौरान कोविड की महामारी का सामना भी करना पड़ा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो या अनेक ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस भी इस दौरान में रहे। बजट के कुछ खास बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 5 साल में 2 करोड़ लोगों के लिए नए घर, 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट, और जहाँ यूपीए ने 10 साल के अंदर में 12 लाख करोड़ खर्च किए थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। डिफेंस सेक्टर में भी बजट बढ़ा करके जीडीपी का 3.4% किया है। 44,000 वंदे भारत जैसे जो है रेल के कोचेस बनेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड अब आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी मिलना शुरू होगा, और विशेष करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप में भी 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। जहाँ कोविड के समय पूरी दुनिया प्रिंटिंग मशीन लेकर के पैसे छाप रही थी, कैश बांट रही थी, वहीं भारत जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा था, और इसके कारण जो है अनेक नए जॉब क्रिएट हुए और बहुत सारे सेक्टरों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने 34 लाख करोड़ से ज़्यादा का रकम डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया, और इसके कारण 2,75,000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं, फेक बेनिफिशरीज हटे हैं, मिडल मैन सिस्टम बंद हुआ है, कट मनी सिस्टम बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल की दीदी बोल रही थी, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ भारत का जीडीपी का 30% जो है बंगाल से आता था, आज 3% से कम रह गया है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, युवा बेरोजगार है। और 2011 में जहाँ CPM 1,90,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, आज 2023 के अंदर में 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, यानी हर एक पश्चिम बंगाली के ऊपर में जो है 60,000 से ज़्यादा का जो है कर्ज है। और इनका रोल मॉडल देखिए, करप्शन और भ्रष्टाचार का कैसा होता है। मनरेगा के बारे में बोला जाता है पैसा रोका है, लेकिन मैं आपको आंकड़े के साथ कहना चाहूँगा, 10.5 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की है, जहाँ जॉब कार्ड जो है घर से एक ही को मिलता है, 18 से कम आयु को नहीं मिलता, उसके बावजूद भी 3.78 करोड़ जो है जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल में बने। जैसे आधार को लिंक किया, तुरंत घट के जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है इनके फर्जी कार्ड जो है बंद हुए।